के राज्यों में प्रेस वार्ता करेगी। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को लेकर गृह मंत्री ने 10 सवाल किए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अमित शाह ने सवाल किए। बीजेपी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम प्रेस से रूबरू होंगे और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी आज कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। प्रदेश में भी आज बीजेपी करेगी कांग्रेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए क्योंकि जब बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर गए थे विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, तो उनकी मुलाकात हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से। इसके बाद नेका के अध्यक्ष ने ये जानकारी दी कि विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन करेगी। 90 विधानसभा सीटों पर दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगी। चूंकि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन गठबंधन के ऐलान के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल किए थे। उन्होंने घोषणा पत्र को लेकर कहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता के लालच में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को लेकर कहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू में अलग झंडे का समर्थन करती है। ऐसे 10 सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने किए थे। और इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी देशभर के राज्यों में प्रेस वार्ता करेगी और अब ये भी जानकारी दे दें कि अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे थे। एक सवाल जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन का था। फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 और 35 ए को वापस लेकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के लिए JKNC के निर्णय का, यानी कि जो निर्णय घोषणा पत्र में लिया उसका समर्थन करते हैं। ये सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं को बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? ये उनके 5 सवाल थे। अभी 5 सवाल और शेष है जो हम आपको बताते हैं। इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरबाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए JKNC के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्त ए सुलीमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाना जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? नवा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? और 10वां और आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JNKC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? और ये वो सवाल है जो अलग अलग साइट्स पर अवेलेबल है। तो ये इन सवालों के द्वारा तीखे प्रहार की है अमित शाह ने। और हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये सवाल आपको दिखा रहे हैं। चूंकि देखिएगा, राहुल गांधी से अमित शाह ने 10 सवाल पूछे थे और वो 10 सवाल क्या है हमने आपको पढ़कर भी बताए और हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी वो 10 सवाल